नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं एक्सकवेटर के प्रैक्टिकल साइट पे। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे ट्रेनर हैं, तो हम अपने स्टूडेंट से ही जानेंगे कि यहाँ पे जब वो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं तो उनको कैसा थ्योरी, कैसा प्रैक्टिकल हो रहा है, हाथ में गाड़ी चलाने को मिलती है कि नहीं, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक कृपया करके बने रहें। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, जो ट्रेनर हैं, जो 13 साल से देश की सेवा में हैं, बेरोज़गार युवाओं की सेवा में हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जब वो ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को आते हैं तो बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाय फ्रेंड, हम बच्चों शुरू में आते हैं तो हम मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं, इंजन ऑयल चेक करने, पानी चेक करने, गियर ऑयल चेक करने, ग्रीसिंग हुआ कि नहीं देखने के लिए। उसका बाद हम हाथ पकड़ के लीवर सिखाते हैं, मतलब बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के गाड़ी चलाना सिखाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, जैसे बच्चों को सिखाया जाता आप वैसे सिखा रहे हैं, और फिर जब ट्रेंड हो जाते हैं तो आप उनको बिल्कुल हाथ में गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। हाथ में दे देते हैं। अभी मेरा लड़का लोग से पूछ लिए। क्या नाम हुआ आपका? हाय फ्रेंड, मेरा नाम सुल्तान मियाँ और मैं वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है और जो भी यहाँ का रहन सहन है, यहाँ तक कि बिल्कुल एक फैमिली जैसा, हमारे उस्ताद साहब जो है बिल्कुल बड़े भाई जैसा बिहेव करते हैं, बड़े भाई जैसा कि बाबू इस तरह चलाओ। हमारे सर जो है आसिफ सर, वो बिल्कुल भाई की तरह बिहेव करते हैं, बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, बट तुम लोग सीखो अच्छे से, तुम लोगों को कामयाब होना है। सर से और उस्ताद से अगर हम कहें कि रिस्पेक्ट देने तक का ट्रेनिंग हम ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई कसर बाकी ना रहा है, कोई कसर बाकी नहीं रह रहा है जिससे मतलब एक कह सके हम सर्टिफाइड ना हो कि ये एक्सकवेटर चलाने में कोई दिक्कत हो, परेशानी। मेरा चौथा दिन है और मैं फुली चला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। इतना सर्टिफाइड हो चुका हूँ मैं 4 दिन में। बाकी और भी इंस्टीट्यूट है सब, हमें सबके बारे में पता करके, सबके बारे में देख के, गौर सुन करके अब तब यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यहाँ पे सर का जो बिहेव है, उस्ताद का जो बिहेव है, यहाँ तरीका जो है सब कुछ अव्वल दर्जे का है, किसी तरह का कोई कमी नहीं रही है। और उम्मीद है कि देश के बेरोजगार युवाओं को के बारे में इतना सोचना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं और पे मतलब मिलती होगी इस तरह के। और जो भी है बहुत अच्छा है, किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आप लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं मिल रही है, तो आप लोग एक्सकवेटर या मोबाइल क्रेन या कोई तरह, हम तो एक्सकवेटर माशाल्लाह चला रहे हैं, तो आप लोग वेलफेयर इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। यहाँ से आप अच्छे जॉब पा सकते हैं, सीख सकते हैं, और यहाँ तक कि सर आपको जॉब पर भी भेज देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं है। लास्ट में ही कहेंगे कि अगर आप लोग इस तरह बेरोजगारी को देश से दूर करना चाहते हैं, देश का भलाई करना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप लोग भी आइए और इसको सीखिए या इसको ऑपरेटिंग करना सीखिए, और आप भी अच्छे खासे जॉब पर जाइए। क्योंकि बेरोजगारी की महामारी इस तरह है, इस दर्जा बढ़ चुकी है कि जॉब पाना मुश्किल से मुश्किल होते जा रहा है, नामुमकिन होते जा रहा है। और सर के पास, हमारे आसिफ सर जो है, बिल्कुल थोड़ा सा भी टेंशन नहीं देते हैं कि आप लोगों को बाबू कागज़ में लिखी जॉब लगाने का चैलेंज करते हैं, और लगा भी देते हैं। ऐसा नहीं है, हम किस तरह का दावा ना कर रहे हैं इस बात का कि नहीं यही सही है, बट सही है, हमारे हिसाब से सही है बाकी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधाएँ दी जाती है ऑलरेडी। देश के भलाई के लिए इस वीडियो को आप लोग कोने कोने तक फैला दीजिए, ताकि हमारे देश से ये बेरोजगार का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए।